अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाली अंजनाक्षी MS ने शानदार भाषण दिया, जिसमें खुद PM मोदी भी प्रभावित दिखाई दिए। अंजनाक्षी MS श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च की छात्रा है। अंजनाक्षी MS ने कनेक्टिंग इंडिया जियोग्राफिकली इकोनॉमिकली एंड कल्चरली नामक टॉपिक पर अपनी बात रखी। PM मोदी बड़े ही ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी बात को समझाते हुए अंजनाक्षी ने बताया कि भौगोलिक तौर पर हम सड़कों, जलमार्गों, एयरपोर्ट्स, रेलवे मार्गों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे देश के विकास को नई गति मिली है। इसी दौरान एक और शानदार तस्वीर देखने को मिली। जब मोदी पुरस्कार दे रहे थे तो इस लड़की ने मोदी के पांव छूने चाहे, लेकिन मोदी एकदम से पीछे हट गए और झुककर लड़की को उसके शानदार भाषण के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आपको बता दें कि अपने भाषण में छात्रा ने केंद्र सरकार की सागरमाला और गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।